आलोक चौरसिया उम्र विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट के एन त्रिपाठी पलामू। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया के उम्र विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस आशय की जानकारी के एन त्रिपाठी ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने कहा कि सत्य और न्याय के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना था पिछले के समय के अंदर निर्णय नहीं हो सका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा था हाईकोर्ट को और 6 महीने में निर्णय करने का निर्देशित किया था। लेकिन 4.25 साल के बाद यह निर्णय आया है और यह निर्णय जिस तरह से बताया गया है कि जनमपुर पत्री में किसी का देख करके और कोर्ट ने निर्णय दिया है, इससे मैं असंतुष्ट इसलिए हूँ कि पूरा पलामू जानता है कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने इलेक्शन पिटीशन दायर किया था वह ज्ञान निकेतन में पढ़ा है, गुड़िया डामर में कभी एक दिन भी नहीं गया और गुड़िया डामर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके टेम्पर्ड सर्टिफिकेट दो दो बार सर्टिफिकेट लगा करके उसने उम्र बदलवाने का प्रयास उम्र बदलवाया है। यह कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि उम्र बदलवाने के लिए जो आवेदन दिया गया उसमें फर्जी शैलेंद्र चौरसिया के नाम से वोटर आइडेंटिटी कार्ड लगाया गया और यह बात रिस्पोंडेंट ने खुद हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि हमने वह मेरा वोटर आइडेंटिटी कार्ड है जो हमने लगाया था और वह फोर्ज, तो फोर्ज वोटर आइडेंटिटी कार्ड, फोर्ज रजिस्टर, फोर्ज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके आधार पर बदला हुआ उम्र कदापि सही नहीं हो सकता। हमारी यह लड़ाई विधायक बनने या